गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो है क्लास फर्स्ट में आपका चैप्टर नंबर 9 माय शैडो ठीक है। माय शैडो यानी परछाई, ये आपका चैप्टर बड़ा चल रहा है और उसमें हमने आपको कल पिछले वीडियो में आपको इसके कंपाइलर चेकर मैं आपका ये नाम मिलता है ब्लैंक चूजिंग वर्ड फ्रॉम बॉक्स। यहाँ पर जो है बॉक्स में दिए गए वर्ड को चुन करके आपको फिर ब्लैंक को कभी करना था बेटा, ये आपको कभी कराया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका बी एंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन से, थ्री क्वेश्चन थे व्हाट गोज विथ द बॉय, लड़के के साथ जो है किया जाता है ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन आपका हाउ डज शैडो लुक, जो परछाई है वह कैसी दिखती है ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड नंबर का आपका वेयर डज द पोएट सी द शैडो जंप, पोएट जो है जो कवि है वह शैडो को परछाई को कहाँ कूदते हुए जो है देखता है ठीक है। ये थ्री क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क रूप में करने के लिए दिया गया था, ऐसा करते हैं बेटा आप इसे कर लिए होंगे। और सी का बेटा आपका मैच द ऑब्जेक्ट विथ इट्स शैडो, आपको इस ऑब्जेक्ट को उनके शैडो से मैच करना था। फोर आपके ऑब्जेक्ट थे 1, 2, 3, 4 और उसके साइडों से आपके ए बी सी डी ठीक है, तो ये भी आपको जो है कंप्लीट करके बताया गया था इसको तरह से। और आज जो है इसमें आपका आगे पेज नंबर आपका 47 पे दिया गया आपका ग्रामर एंड यूज में रेगुलर प्लूरल ठीक है, बहुवचन रेगुलर आपका रेगुलर प्लूरल ठीक है, रेगुलर प्लूरल जो आपके नियमित बहुवचन होते हैं ठीक है, प्लूरल्स होते हैं आपको उसके बारे में बताया जाएगा आज। यहाँ पर दिया आपका प्लूरल आर वर्ड दैट मीन, प्लूरल आर वर्ड प्लूरल आर वर्ड दैट मीन दैट मीन दैट मीन मीन ब्रेक आपका नोट काम किया है मोर देन वन ठीक है, मोर देन वन ठीक है, मोर देन वन कैट बिकम कैट कैट बिकम कैट एंड गर्ल एंड गर्ल बिकम गर्ल ठीक बेटा। यहाँ पे आप समझे गए थे कि प्लूरल क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं, कहा गया प्लूरल आर वर्ड, प्लूरल जो है वे शब्द आए हैं डेट भी जिसका अर्थ है क्या बेटा मोर देन वन यानी एक से अधिक, मोर देन वन यानी एक से अधिक, कोई चीज या कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका एक से अधिक है मोर देन वन है तो आपको क्या करना होगा वो प्लूरल होगा बहुवचन होगा। जैसे कैट ही बिकम्स कैट, अब देख रहे हैं यहाँ पे कैट है बिल्ली और यहाँ पे बिल्लियाँ ठीक है, कैट सी ए टी कैट बिल्ली और इसका प्लूरल क्या होता था कैट सी ए टी एस कैट मींस बिल्लियाँ ठीक है। और ऐसे आप गर्ल मींस लड़की, यहाँ पे आपका कैट और गर्ल मींस आपका लड़की या गर्ल एंड इसका आपका प्लूरल आपका गर्ल यानी कि लड़कियां ठीक बेटा। इतना तक समझ गया होगा कि प्लूरल का वर्ड दैट मीन मोर देन वन, कैट बिकम कैट एंड गर्ल बिकम गर्ल ठीक बच्चों, ये आपके प्लूरल कराते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 पेज नंबर 48 पेज नंबर 48 देखिए बेटा रूल्स फॉर मेकिंग रेगुलर प्लूरल, यहाँ पर दिया बेटा आपका प्लू
सूरज के जो है बनाने के लिए जो है यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं। सूरज को बनाने के लिए यहाँ पर नियम दिए गए, ठीक बेटा आपका दिया है रूल्स फॉर मेकिंग, रूल्स फॉर मेकिंग, रूल्स फॉर मेकिंग रेगुलर सूरज, रेगुलर प्लूरल, ठीक है, रूल्स फॉर मेकिंग रेगुलर प्लूरल, यानी कि प्लूरल को बनाने के जो है यहाँ पर नियम दिए गए हैं। फर्स्ट आपका फॉर मोस्ट नाउंस, फर्स्ट आपका बेटा फॉर मोस्ट, फॉर मोस्ट नाउंस बेटा फॉर मोस्ट नाउंस जस्ट एड एयर, जे यू एस जस्ट एड एयर, ठीक है, जस्ट एड एयर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है सर। यहाँ का अगर कभी फॉर मोस्ट नाउंस अधिकतर नाउंस में, ठीक है, अधिकतर नाउंस में आप कहते क्या कहते हैं जस्ट एंड यस केवल, आप जो है उसमें यस ऐड कर देते हैं, क्या कहते हैं आप यस ऐड कर देते हैं, ठीक है, कहाँ पर एट द एंड ऑफ द वर्ड शब्द के अंत में, जो शब्द का जहाँ पर अंत हो रहा है उसमें हम क्या करते हैं एस जोड़ करके उसको हम प्लूरल बनाए देते हैं, अधिकतर नाम में हम क्या करते हैं एस ऐड करके ऐड करके नाम को प्लूरल बनाए देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा हैंड दिया है और दो दो, ये अपने एग्जाम्पल से हैंड का हो जाएगा, हैंड दिया है मीन्स हाथ, यह हो जाएगा यस ए एम डी है, तो हमने क्या किया था इस नाउन के लास्ट में हमने यस ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया रूल, ठीक है, दो दो है डी डबल आर एस डोर्स, ठीक है, दो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी डबल आर एस डोर्स दरवाजे, ठीक है, मोर देन वन, यहाँ पे यहाँ पर सिंगल है, सिंगल है एक है आपका और यहाँ क्या है मोर देन वन एक से अधिक है, ठीक है, आपका हैंड था तो हैंड हो गया और दो था तो क्या हो गया डोर्स, ठीक है, ये सब का बुक है तो जाएगा बी डबल ओ के एन बुक, ठीक है, पेन है पी टी एन का जाएगा पी टी एन एस के, ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर अधिकतर नाम उसमें हमने क्या किया केवल एस ऐड करके जो है लास्ट में उसके वर्ड के अंत में एस ऐड करके हम उसको क्या कह दिया प्लूरल बना दिया, ठीक है, ये पहला प्रश्न था फॉर मोस्ट नाउन जस्ट ऐड यस ऐड द वर्ड, तो नेक्स्ट आपका है सेकंड सेकेंड बेटा आपका फॉर नाउंस इंग्लिश, फॉर नाउंस इंग्लिश विथ यस कॉमा एच सी एच और एच ठीक है, एड ईयर एड ई एस, तो ये हो गया एड ईयर, एड ईयर एट द
at the in the world at the in the of the world केवल नेक्स्ट अपन सेकंड आपका रूल्स है वो कहाँ का फॉर नाउन एंडिंग विथ जिस नाउन की समाप्ति ठीक है जिस नाउन की समाप्ति जो है वो आपका से यस से होता है यस क्या है एक्स सी एस या यस एस ठीक बेटा ध्यान से लेंगे जिस नाउन की समाप्ति आपको बताइए एस सी एच और एस एस इनसे होता है तो क्या करते हैं बेटा तो एड ईयर अब क्या करते हैं ईयर जोड़ते हैं उस वर्ड क्या जोड़ते हैं ईयर एड ईयर एट द एंड ऑफ द वर्ड शब्द के अंत में हम बेटा ईयर जोड़ते हैं ठीक है देखेंगे एग्जाम्पल बॉक्स बॉक्स वी Watch, ठीक है बच्चों आपने यहाँ पे क्या देखा ये बॉक्स विथ वॉच एंड बस ये फोन नाउन से आप कह रहे हैं बॉक्स यहाँ पे क्या करता है की विथ क्या हो रही है एक्स की यहाँ पे क्या कह रहे हैं एक्स की नाउन से नाउन से क्या हो एक्स से हो यहाँ इसके बाद कोई वर्ड नहीं है कोई आपका लेटर नहीं है और यहाँ पे भी यस यस यहाँ पे सिंग किससे हो रहा है यस यस से हो रहा है यस यस विद और फिर क्या है सी एच लास्ट क्या था सी एच वाच मीडियम का एच वाच और लास्ट का बी एस पर सी एच दिया है ठीक है बच्चों तो यहाँ पर क्या है ये वर्ड दिए गए हैं नाम दिए गए हैं और इसकी समाप्ति जो है एस यस एस सी एच और यस से हो रहा है तो आपको क्या करना था एड ईयर एड द इंडा का वर्ड एड ईयर एड इंडा का वर्ड आपको वर्ड के अंत में ईयर जोड़ देना है क्या लिखा था उसका पूर्ण क्या होगा बी ए एस का है तो बी ओ एक्स लिखेंगे हम ठीक है बी ओ लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे ई एस ईयर अपने अंत में जोड़ देंगे यहाँ पे देखिए बी ओ एस बॉस तो यहाँ पे आपका बी ओ एस ई एस इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे ई एस ऐड करेंगे और आपका हो जाएगा बॉस से अच्छा वाला बन जाएगा विल डब्ल्यू आई एस एस है तो इसमें भी हम क्या करेंगे ई एस ऐड करेंगे विल से नेक्स्ट आपका वॉच डब्ल्यू ए ठीक है बस बी टू एस ई एस ठीक है तो आपने देखा कि इस तरह का एक जिस नाम से तो आपको यस एस सी एच एस एस से होता है इसमें हम क्या करते हैं उसका वर्ड के अंत में हम ई एस जोड़ करके उसको पुजल बना लेते हैं ठीक है बेटा ये आपका सेकेंड था इसके बाद थर्ड उस थर्ड वर्ड को देखिए कितना लिया हूं थर्ड वर्ड शब्द आपका फार्म हाउस ईटिंग फार्म हाउस इंडिंग विथ वाई
with y, change y into I add I and add here add mega four add the in of the one ठीक बच्चों ये थर्ड है इसमें कहा गया था कि pronouns ending with y ठीक है pronouns ending with y यानी कि जिस nouns की समाप्ति जो nouns का जो अंत है एंड है किससे हो रहा है y से अगर y से होता है तो हम क्या करते हैं y को हम चेंज कर देते हैं y को हम चेंज कर देते हैं बदल देते हैं इसमें into y आई में ठीक है वाई को हम आई में बदल देते हैं और उसके बाद एंड एड ईयर और जो है उसके क्या करते हैं ईयर एड करते हैं ईयर एड करते हैं एंड एंड आपका वर्ड वर्ड के अंत में वर्ड के लास्ट में ठीक है आइए एग्जांपल देते हैं बेबी बेबी कैंडी ठीक है बेबी और कैंडी लेकिन बेटा बेबी का क्या हो जाएगा लास्ट का क्या है वाई है क्या है वाई है ये समाप्ति किससे हो रही है वाई से तो आपका हो जाएगा बी ए बी अब वाई के स्थान पर क्या है चेंज वाई इनटू आई y के स्थान पर चेंज करके उसको क्या रखता है आई रखता है यहाँ क्या रखते हैं हम आई रखते हैं क्या रखेंगे आई उसके बाद क्या करना होता है एंड आई y को आई बदलने के बाद एंड और एड करते हैं ईयर क्या करेंगे ईयर उसमें एड कर देते हैं यहाँ पे हो जाएगा आपका ई तो आपका हो जाएगा बेबी ठीक है बेबी बी ए बी आई ई एस बेबी आई देख सकते हैं आपका वाई है उनका वाई को क्या करेंगे चेंज करेंगे बदलेंगे आई में आई ठीक है अब एड क्या करेंगे ई कैंडी सी एन डी आई कैंडी ठीक है इससे बता आप जो है नंबर थर्ड या फिर थर्ड आपका रूल था पाना हुसैन विद वाई चेंज वाई विद वाई अगर वर्ड नाउंस की समाप्ति जो वाई को रहा है तो वाई को हम जो है आई में चेंज करेंगे और उसमें ईयर ऐड करेंगे ऐड कर दिया आपका वर्ड और शब्द के अंत में ईयर ऐड करके उसका प्रोनाउंस बना लेंगे ठीक बेटा आइए देखते हैं इसका आपका क्या है डी डी दिया आपका डियर का आपका क्या है मैच सिमिलर विद डॉग डियर गूगल डी है एम के टी सी एस मैच सिमिलर विद मैच सिमिलर सिंगुलर मैच सिंगुलर विद डियर गूगल प्लूरल यानी आपको जो है सिंगुलर को उनके प्लूरल से क्या करना होगा मैच करना है ठीक है मैच सिंगुलर विथ देयर प्लूरल ठीक है तो देखेंगे आप 1 2 3 4 5 यहाँ 5 दिए हैं 1
टू थ्री फोर ठीक है। ये आपका इस प्रकार है सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर दिया गया है, समझ गया आपको बस आपका वो बस ये आपको कहा बुक। सेकेंड नंबर टी थर्ड नंबर आपका बैगी आर एम डी आई की हैबी। नेक्स्ट आपका है पेंसिल, पी ई एल सी आई एल पेंसिल। एंड लास्ट ऑफ फिफ्थ बता फ्लाई, फिफ्थ क्या आपका फ्लाई अवेलेबल ठीक है। ये आपके फाइव सिंगुलर यहाँ पर दिए गए हैं ठीक बच्चों, यहाँ पे फाइव सिंगुलर दिए गए हैं सिंगुलर। अब इसको मैं यहाँ पर ए बी सी डी समय का ए और बी सी डी एंड ठीक है। यहाँ पे इनके जो है प्लूरल दिए गए हैं ठीक है, यहाँ पे इनके प्लस दिए गए। आपको मैच सिंगलर की जरूरत क्योंकि सिंगलर को उनके प्लूरल से आपको जो है मैच करना है। प्लस में तो यह है आपको क्या कहते हैं पेंसिल बी आपकी क्या होगा बी डबल ओ के एस बुक्स, बी डबल ओ के एस बुक्स। नेक्स्ट आपका है रैबिट, रैबिट डी आपका फ्लाई एफ एल आई फ्लाई एफ एल आई यस फ्लाई। एंड लास्ट का ई आपका दिया है जिसे डी आई एस सी एच टी डी आई एस सी यस जिसे ठीक बच्चों। यहाँ पर ये जो है आपके डी मैच सिंगुलर देयर प्लूरल यह आपका दिया गया था। और आप जो ना उसके जो है आप होमवर्क बुक से आप कंप्लीट करेंगे ठीक बच्चों। जो आपका मैथ सिंगल सिंगल क्या था वन से लेकर फाइव तक था सिंगल दिए गए हैं। और यहाँ पे ए से लेकर क्या था ई तक या के इनके जो है सिंगल के ये क्या था प्लूरल है ठीक है। ये सिंगल जो दिए गए हैं उनके जो प्लूरल है तो इनको जो है क्या करना है मैच करना है ठीक है। इसके साथ जो डी किया है कि आप जो है होमवर्क इसे आप होमवर्क रूप से कंप्लीट करेंगे ठीक बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे पढ़ गया है कि कलर का बॉक्स विद द करेक्ट एंड फन टाइम आपका यफ है टू एम आई ये बेटा आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।